अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे लीफ बनाना और मैं लीफ बनाते दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग करेंगे। तकरीबन 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और 3 इंच की लंबाई है जो लीफ है। और देखिए कितना सिंपल है लीफ को ड्रा करना। और इसी तरह से एक और बना लेते हैं, उसके बाद आपको पेंटिंग बताते हैं किस तरह से भी बनाना है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नए यहाँ डिज़ाइन को देख सकें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी दुल्ली जो है पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें कलर लगाएँगे। तो चलिए हम आपको कलर करके दिखाते हैं कि इसको कलर किस तरह से करना है। दोनों लीफ हमारी दो तरह की है, देख सकते हैं आप। ड्राइंग में बस थोड़ा फर्क है, एक मैंने एक तरफ का झुकाव किया, दूसरी तरफ का झुकाव किया है। और दोनों ही लीफ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। अभी इसकी पेंटिंग हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छी दिखेंगी। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे भी दो लीफ ने और बनाई है इसमें। इसी वीडियोज़ में मैंने टोटल 4 लीफ बना के दिखाई है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइट सैप ग्रीन का एक लाइट कलर है फेब्रिक्रिल का, और ये जो डार्क सैप ग्रीन है वो फेब्रिका का कलर है। तो दोनों कलर में काफ़ी फ़र्क होते हैं। जो फेब्रिका का कलर होता है वो डार्क होता है, और जो फेब्रिक्रिल का कलर होता है वो जो है थोड़ा लाइट होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही सैप ग्रीन जो है लिया हुआ है, और साथ ही हम इसके वाइट लेंगे और ब्लैक लेंगे। ये हमारा ब्लैक कलर हो गया और ये हमारा वाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पेंटिंग बताती हूँ। सभी कलर को इधर रख लेती हूँ। एक लाइट सेप ग्रीन लाइट कलर में है, एक डीप ग्रीन सेप ग्रीन डार्क कलर में है, और एक ब्लैक और एक वाइट। और ये 5 नंबर का फ्लैट ब्रश आपको दिख रहा होगा, 5 नंबर का फ्लैट ब्रश। और सबसे हम ये सेप ग्रीन यूज़ करेंगे। तो देखिए बॉटल आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो सेप ग्रीन देखिए, इसका ये फेब्रिका एक्रेलिक कलर है, कैमल फेब्रिका एक्रेलिक कलर इसका पूरा नाम है। और ये ब्लैक कलर, ये भी फेब्रिका का है, और ये जो वाइट कलर है वो फेविक्रिल का कलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लाइट हमारा सेट ग्रीन रहेगा उसको हम इस तरह से लगाएंगे और फिल करेंगे अच्छे से। ये इस तरह से अच्छे से इसको फिल करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी लीफ होती है उसको हम किनारे से उसको अच्छे से सेट देंगे ताकि उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आए और लीफ अच्छी बने। उसको आउटलाइनिंग करते हुए हम उसको फिनिशिंग दे देंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे अच्छे से। फिर उसमें जो भी हमारा कलर का शेड रहेगा उसको हम शेड करेंगे। तो पहले आपको दिखा देती हूँ, पहले इस तरह से, उसके बाद आपको शेड बताती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, पहले ये हमारा हो गया कलर पूरा फिल हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा गहराई है इसको थोड़ा सा और उठाते हुए इसको अच्छे से लीफ का सेप देंगे। यहाँ पे देखिए लीफ का नोक भी हो गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे बहुत ही ज़रा सा कलर लेना है, क्योंकि हम जब ब्लैक कलर का कलर लेते हैं तो अक्सर ही ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ही थोड़ा सा कलर लेना है, और हमने यहाँ बीच में आउटलाइनिंग कर दी है। और ये यहाँ देखिए किनारे से भी हमें आउटलाइनिंग करनी है, बिल्कुल लीफ के शेप में, जैसे हमने लीफ बनाई थी उसी तरह से। दोनों दो जगह हमारा ब्लैक शेड हो गया है। और यहाँ पे देखिए हमने सेम ब्लैक शेड के ऊपर इस तरह से डार्क जो सैप ग्रीन हमारा है डार्क कलर, उसको हमने ब्रश में कॉर्नर पे लिया है और उसी पे हम दोबारा से दोहराएंगे। और देखिए इस तरह से उसी में से शेड को अच्छे से करना है इस तरह से। और ये बहुत ही संभाल के करना पड़ता है फ्रेंड्स, अगर आपके ब्रश बाहर जाएंगे तो आपके लीफ का शेप जो है बिगड़ जाएगा। तो आप बहुत संभाल के करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस तरह से हमारा शेड कुछ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव ग्रीन लेके इसमें भी हमें ब्लैक कलर में दोबारा से ब्रश को ब्लेंड करना है और देखिए फिर उसी में से इस तरह से शेड बनाना है। बहुत इजी है, आप में से कोई भी बना सकता है, लेकिन थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप भी बना लेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी बना लेंगे। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में हमने पूरी चार लीफ बनाई है, आपको करके दिखाई इसमें, तो आपको जो पसंद आती है आप वो बना सकते हैं। अभी इस जो लीफ, ये जो लीफ हमने बनाई है, अभी इसमें वाइट का शेड बाकी है, इसमें वाइट शेड देंगे तो हमारा जो कलर है वो थोड़ा अभी जो है गीला है। और अब क्या करें, बहुत थोड़ा सा इसको पूरा नहीं सुखाना है, थोड़ा सा ड्राई होने दें, उसके बाद इसमें वाइट कलर लगाएंगे तो आपका वाइट शेड जो है थोड़ा उभर के दिखेगा। तो मैंने जल्दबाजी कर दी है तो मेरा जो कलर है और थोड़ा उसमें छिप जाता है वाइट कलर का, देख सकते हैं आप। तो अगर यही कलर आपका सूख गया रहेगा, सैप ग्रीन जो आपने पहले शेड दिए हैं वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जब आप वाइट कलर लगाएंगे तो आपका शेड और भी ज़्यादा अच्छा और प्यारा सा आएगा। पूरा नहीं सुखाना है लेकिन थोड़ा सा उसको ड्राई करना है ताकि जो हमारा वाइट कलर है उसका शेड उबर के आए। यहाँ देखिए आप फ्लैट ब्रश का जो 5 नंबर का हमने पहले यूज़ किया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा क्या पता कलर शेड करने में बाहर निकल जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर छोटा ब्रश का यूज़ कर लिया 2 नंबर का। तो आप उससे भी बना सकते हैं, अगर आपको बनाने आता है तो संभाल के आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें यूज़ किया है, आगे की मैं इंशाल्लाह मैं उसी ब्रश से बनाऊंगी 5 नंबर से। देखिए मैंने फिर से 5 नंबर का जो ब्रश है हमारा, वही ब्रश हमने फिर से यूज़ किया और इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें आउटलाइनिंग करनी है। उसके बाद इसमें शेड को जो है अच्छे से बना देना है। शेड तो आप पहली बार का देख ही चुके हैं कि हमने कैसे दिया है, बस उसी पे हमको इसको फिर से उसमें फिनिशिंग दे देनी है। वाइट कलर थोड़ा हमारा ज़्यादा रहेगा जिससे हमारी लिफ अच्छी और खूबसूरत दिखेगी। अब हमें यहाँ पे लेना है सैप ग्रीन और ब्लू और वाइट, जो कि हम इस लिफ में फेविक्रिल और ब्लू कलर एंड वाइट कलर दोनों यूज़ करेंगे। और डीप ग्रीन हम निकाल सॉरी डार्क सैप ग्रीन हम निकाल देंगे, जो कि कैमल फैब्रिक का एक्रिलिक कलर का है, वो कलर नहीं यूज़ करेंगे हम। ये फेविक्रिल का जो लाइट कलर है इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बॉटल में बंद कर रही हूँ कैप में लेने के लिए कलर, ढक्कन में हमें कलर चाहिए, इसके लिए हमने बॉटल बंद करके कैप को बॉटल को मिला के फिर से कैप को खोल के यहाँ पे देखिए कलर लेके लगा रही हूँ। सैप ग्रीन हमें चाहिए था और इस तरह से देखिए जिस तरह से लीफ का शेप है बिल्कुल उसी तरह से मैं ब्रश को जो है चला रही हूँ किनारे किनारे, ताकि जो हमारा शेप है लीफ का वो अच्छे से बन जाए और जो हमारे कलर हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये एक तरफ का हमारा जो शेड है वो हो चुका है। इसको हम इस तरह से कलर लगाते हुए अच्छे से फिल करेंगे। अब यहाँ पे लेना हमें ब्लू कलर बिल्कुल बीच से, इस तरह से जिस तरह से हमने ब्लैक कलर का शेड लगाया था यहाँ पे ब्लू कलर का शेड लगाएंगे। और ब्लू कलर का शेड लगाने के बाद हमारी जो लीफ दिखती है ना बहुत ही प्यारी सी दिखती है, जो शेड आता है बिल्कुल तरकस ब्लू वाला शेड आ जाता है और इससे हमारे लीफ में डार्क शेड बन जाता है खूब अच्छा सा। कलर के हिसाब से जो शेड बनना चाहिए वो कलर हमारा ब्लू शेड डालने के बाद सैप ग्रीन में बन जाता है। और इसके बाद जब हम वाइट कलर लगाते हैं तो हमारी लीफ जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इसी साइड से जिस तरह से हमने ब्लैक शेड का आपको दिखाया सेम उसी तरह हमें ये शेड भी डालना है। और देखिए आप अपने चॉइस से अलग कलर से अलग शेड भी डाल सकते हैं, अलग लीफ बना सकते हैं। ये हमने सैप ग्रीन में 2 तरह की लीफ आपको दिखाई है, एक ब्लैक के साथ और एक ब्लू के साथ। और इसमें हमारा सिर्फ 3 कलर लगेगा, उसमें हमने 4 कलर लगाए हुए थे
ब्लू वाइट सैप ग्रीन डार्क सैप ग्रीन, यानी कि दो हमारा सैप ग्रीन था, एक ब्लू था, एक ब्लैक था, एक वाइट था, और इसमें सैप ग्रीन ब्लू और वाइट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे वाइट कलर। बहुत ही संभाल के जहाँ पे हमने ब्लू कलर लगाया है उसी के साइड में बिल्कुल वाइट कलर लगाना है, और इस तरह से अपने शेड को अच्छे से फैलाएं। अगर आपसे शेड इस तरह से नहीं बनता है तो क्या करें, लीफ को अपनी तरफ घुमा लें, उसके बाद आप बिल्कुल सही शेड दें जिस तरह से आपको सही पड़ता है, इसमें आपको करने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने फ्रेम को नहीं घुमाया है, मैं जिस साइड बैठी हूँ उसी साइड से अपने हिसाब से कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए लीफ कितनी प्यारी सी दिख रही है, और दोनों शेड में काफ़ी फ़र्क है। वीडियो में क्या पता आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन दोनों शेड में काफ़ी फ़र्क है, एक डार्क शेड है एक लाइट शेड है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा और ब्लू कलर का शेड दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर का शेड दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी वाइट कलर का शेड हमारा जो है नीचे से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो उसको फिर से सही कर लेते हैं वाइट कलर लगा के। इस तरह से अच्छे से कॉर्नर पे कलर लेंगे, इस तरह से लाइनिंग करेंगे। और ये सारे फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, ये भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। देख सकते हैं हमारी लिप जो है वो तैयार हो गई है। चलिए मैं आपको एक और लिप करके दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा सा लाइट कलर में। दो लिप हमने डार्क शेड में बनाई है और दो लिप हमने लाइट शेड में बनाई है, तो आप ये दो लिप भी देखिएगा कैसे बनेगी, और इंशाल्लाह आपको ये दो लिप उससे भी ज़्यादा ग्रीन शेड से ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले ड्राइंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं कपड़े पे पेंसिल से ड्राइंग कर रही हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स जो कहते हैं उनसे बनता ही नहीं है, तो आप ब्लैक पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो ब्लैक शेड में आती है उसको यूज़ करेंगे, तो आपका भी जो ड्राइंग रहेगी कपड़े पे दिखेगी, क्लियर दिखेगी। तो आप ब्लैक पेंसिल का यूज़ करें, आप लाइट पेंसिल का यूज़ करते होंगे तो इसके लिए आपका जो शेड है वो, जो आपका ड्राइंग है लाइट आउटलाइनिंग है वो इसलिए नहीं दिखती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने लाइट ब्लू लिया है, साथ ही हमने उसमें थोड़ा सा वाइट के साथ उसको पूरी लीफ में ब्लेंड कर रही हूँ, उसको जो है फिल कर रही हूँ पूरी लीफ में, और अच्छे से दोनों कलर को ब्लेंड भी करना है ताकि हमारे ये दो कलर हैं एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और हमें जो हमारा लाइट ब्लू है उसको और भी लाइट बनाना है, इसके लिए हमने इसमें वाइट कलर का शेड ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिर से हमने ब्लू कलर लिया हुआ है और उसको फिल कर रही हूँ, और उसके साथ यहाँ पे वाइट लगाऊंगी, उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ लीफ को, बिल्कुल इसी तरह से इंशाल्लाह आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना लोगे। बहुत ही प्यारी सी लीफ हमने बनाई है, ये भी चार कलर से बनी हुई है, आप देख सकते हैं लाइट ब्लू डार्क ब्लू एंड वाइट एंड सैप ग्रीन, ये भी चार कलर से बनी हुई है लीफ, और काफ़ी खूबसूरत और अच्छी सी है लाइट कलर में। तो अभी ये तो एक और लीफ बना के दिखाना है आपको, आप वो लीफ ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही प्यारी सी है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का शेड जो है हमें यहाँ से देना है, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छे से आउटलाइनिंग करेंगे फ्रेंड ताकि जो हमारा कलर है कहीं पे छूटे ना, और उसकी ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कलर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और डार्क शेड थोड़ा ज़्यादा लगाएं ताकि
कलर हमारा जो है उबड़ के दिखे गहराई के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी आउट लाइनिंग करेंगे, थोड़ा ऊपर से बड़ा बड़ा के कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ब्लू शेड डार्क चाहिए तो कपड़े से हम कर सकते हैं। अगर आपकी लीफ पतली है तो उसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी लीफ चौड़ी है तो उसको अंदर से ही करें, बाहर ना ले जाएं। ये देखिए इस तरह से हमें शेड को अपने करना है। बिल्कुल इस तरह से करना है, अच्छे से कलर को मिक्स करना है। अपने ब्रश को जो है अच्छे से चलाएंगे, उसको ब्लेंड करेंगे तो आपका कलर एक दूसरे में जो है अच्छे से मिक्स होगा। अब हम इसमें लगाएंगे वाइट शेड, पहले वाइट शेड लगाएंगे। हमने तो अभी ब्लू कलर के साथ उसको ऐड किया था वाइट शेड को, और अभी अलग से यहाँ पे शेड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह से उसके शेड भी बनाने हैं। नीचे शेड्स थोड़े बड़े रहेंगे, ऊपर जगह थोड़ी कम है तो उसी के हिसाब से शेड को छोटे करते जाना, छोटा करते जाना है और अच्छे से शेड को बना शेड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा आप इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सैफ ग्रीन ऐड कर सकते हैं। इसका सैफ ग्रीन ऐड कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा इसका जो लुक है वो चेंज हो जाए और ये और भी अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमें सैफ ग्रीन को इस तरह से ऐड कर देना है, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर भी देखिए हमने लगाया सैफ ग्रीन को, और इसको शेड को हल्का हल्का सा बस नीचे की साइड इसको बढ़ाना है, देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये हमारी जो लीफ है वो तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरह से तो आपको ये जो पेंटिंग है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे मैं और भी डिज़ाइन अपलोड करने वाली हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इस तरह के आप बहुत सारे डिज़ाइन और भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड कर रखी है, शायद आपको पसंद भी आए। बेडशीट की भी डिज़ाइन बहुत सारी हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और अगर आपको पेंटिंग सीखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाएं, उस पर पेंटिंग सीखेंगे, आपको छोटी छोटी जानकारियां मिलेंगी। उस पर मैं बहुत ही बड़ी वीडियो नहीं कर रही हूँ, वो छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपको थोड़े थोड़े करके सारी जानकारी हो जाए। इसके लिए हमने छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रखी है और इंशाल्लाह करती जा रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। मैं ऑनलाइन क्लास करवा रही हूँ तो उसमें जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप सब भी सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको चैनल का नाम नहीं पता है तो मैं उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे, वीडियो में हमने नंबर डाला हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो आप उससे उस पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं कैसे क्या करना है। और सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल पर से भी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। उसमें क्या है, वीडियो है जो मैं बताऊंगी वो देखेंगे आप, और सीखने में क्या है जो आपको समझ में नहीं आएगा मुझसे आप पूछेंगे तो वो मैं डिटेल्स में समझा सकती हूँ। तो सीखने और वीडियो में देखने से काफ़ी फ़र्क हो जाता है। जो बहुत समझदार रहते हैं, जिनको समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे क्या करना है, वो वीडियो देख के ही सीख जाते हैं माशाल्लाह। और बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको बताने के बाद ही समझ में आता है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और जब भी कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सअप पर करें, नंबर पर लगाएँगे, अदर पर कॉल करेंगे तो आपको जो है नंबर वन बताएगा और कॉल लगेगी नहीं। तो व्हाट्सएप पे आप या तो मैसेज के थ्रू बात कर लें या फिर व्हाट्सएप कॉल कर लें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेमन येलो का शेड लगाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने
ब्राउन शेड लगाया और इस तरह से देखिए जो लीफ का सेप है बिल्कुल हाफ हाफ पार्ट में हमने दोनों साइड में एक तरफ हाफ एक तरफ नीचे की तरफ से और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ से हमने लेमन येलो लगाया है और उसके ऊपर नीचे उसके अपोजिट यहाँ पे मैं ब्राउन शेड डाल रही हूँ। और ये लीफ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है सामने से, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप इस तरह से अगर लीफ बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, इसको पूरे कैसे मैं बना रही हूँ इतनी ही वीडियो का देखना चाहते हैं तो इसको पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से बनाना है। देखिए बहुत ही सिंपल सी लीफ है और बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। सिर्फ तीन शेड से इसको बनाना है, तीन शेड आपके पास अगर है तो आप ये लीफ बना सकते हैं, लेमन येलो, डार्क ब्राउन एंड वाइट, तीन शेड में हमारी जो लीफ है वो बन के तैयार हो जाएगी। और जो इसकी खूबसूरती है आप सामने से देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कितनी खूबसूरत है ये लीफ। तो ये देखिए हमारी लीफ का जो दो शेड है वो हमने लगा दिया है, अब हम इसमें लगाएंगे वाइट शेड, जो कि वाइट शेड लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारी सी दिखने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट शेड लगाएंगे और इस तरह से शेड को ब्राउन शेड पे चढ़ाते हुए इसको शेड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारी लीफ का, देखिए बस इसी तरह से हमें अपने शेड को बनाना है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है हमें कलर को, ताकि जो हमारे शेड हैं वो बहुत ही प्यारे से आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा वाइट कलर हमारा ज़्यादा रहेगा और इस तरह से हमारी लीफ जो है बहुत ही प्यारी दिखने वाली है। यहाँ देखिए इस तरफ भी वाइट कलर लगाएंगे। ऊपर के थोड़ा थोड़ा वाइट कलर ऊपर से लगाएं, पूरे नीचे तक ना ले जाएं, फिर उसमें से हल्का हल्का करके शेड को नीचे खींचेंगे तो आपका शेड जो है अच्छा बन जाएगा। और ये देखिए हमारी लीफ तैयार है फ्रेंड्स। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि हमने बताया आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में रखें, अल्लाह हाफिज़।